हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन ट्यूटोरियल। आज इस वीडियो में हम सीखेंगे कि डिवीज़न मेथड से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करें, यानी कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे निकालें। समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में हमें एक नंबर गिवन है, इस नंबर का हमें स्क्वायर रूट यानी कि वर्गमूल निकालना है लॉन्ग डिवीजन मेथड से। वर्गमूल निकालने के लिए 7921 हम इसे लिख देंगे, हम इसे ऐसे लिख देंगे। अब हमें राइट हैंड साइड से 22 का पेयर बनाना है। राइट हैंड साइड मतलब कि यहाँ से 22 का पेयर बनाना है, 21 और 79, 22 का पेयर बना लिया। अब हमें कोई एक ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर 79 हो या फिर 79 से कम हो। तो 79 तो किसी का भी स्क्वायर नहीं होता, तो हम कोई एक ऐसा नंबर लेंगे जिसका स्क्वायर 79 से कम हो। हमारे पास नंबर आ जाएगा 8, 8 8 64, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो 1 8 हम यहाँ पे भी लिख देंगे और इन दोनों 8 में से 1 8 हम यहाँ पे भी लिख देंगे। 8 8 60 4। अब हमें 79 में से 64 को माइनस करना है। 79 में से 64 को माइनस करने के बाद 15, हमारे पास 15 बचा। अब ये जो 8 और 8 है इन्हें हमें प्लस करना है। 8 और 8 को प्लस करके 16 हमें यहाँ साइड में लिख लेते हैं। अब ये दोनों जो हमारे पेयर थे, ये दोनों पेयर उतर जाएंगे 15 के आगे। 21, ये दोनों पेयर है इसलिए पेयर साथ में उतरेंगे, एक पेयर साथ में उतरता है 1521। अब हमें 16 के आगे कोई एक ऐसा नंबर रखना है, कोई एक ऐसा डिजिट रखना है जिससे मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर 1521 आए या फिर इससे कम आए। इनके आगे हम ऐसा कौन सा नंबर रखें, हम 2 रख के देखते हैं। हमने इसके आगे 2 रखा, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। जो नंबर रखते हैं हम उसी से मल्टीप्लाई भी करते हैं। 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी, 2 1 ज़ा 2, 1 प्लस 3, 324। यह भी बहुत कम है, यानी कि हमें कुछ और यानी कि हमें इसके आगे कोई और नंबर रखना होगा। हम 9 रख के देखते हैं। 9 रखा तो 9 से हमें मल्टीप्लाई भी करना है। 9 9 ज़ा 81, 8 कैरी, 9 6 ज़ा 54, 54 प्लस 8 62, 6 कैरी, 9 1 ज़ा 9, 9 प्लस 6 15, 1521 आ गया। 9 रखेंगे, 9 हम यहाँ पे भी लिख देंगे, 1521। रॉन्ग, अब इसके आगे कोई और पेयर नहीं है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। इसका स्क्वायर रूट निकल के आया है 89। अब हम एक दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। 5 लार्जेस्ट नंबर 99,999। अब हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, इसका वर्गमूल निकालना है लॉन्ग डिवीज़न मेथड से। तो कैसे निकालेंगे, वही सेम चीज़ यहाँ पे भी है। राइट हैंड साइड से 2 2 का पेयर बना लेंगे। यहाँ पे 9 तो अकेला बचा सिंगल, तो इसका ये अकेले ही रहेगा। अब हमें कोई एक ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर 9 हो या फिर 9 से कम हो। तो 9 तो है, 3 का स्क्वायर है 9, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे हम 3 लिख देंगे, 1 3 यहाँ पे लिख देंगे और इन दोनों में से 1 3 यहाँ पे लिख देंगे, 3 3 ज़ा 9, 0। अब इन्हें प्लस कर देंगे, 3 प्लस 3 6, 6 को हम यहाँ साइड में लिख लेंगे। अब ये दोनों जो पेयर है, ये पेयर एक साथ उतर जाएगा 99। अब हमें 6 के आगे कोई एक ऐसा नंबर रखना है
जिससे मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर 99 हो या फिर 99 से कम हो। तो 6 के आगे हम 2 रख के देखते हैं, हमने 6 के आगे 2 रखा तो हम 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 124। ये तो अभी ज़्यादा है, तो यानी कि हम 6 के आगे 1 रख देते हैं। एक 1 हम यहाँ पे भी लिख लेंगे और एक 1 हम यहाँ पे भी लिख लेंगे। 61। अब हमें 99 में से 61 को माइनस करना है। 99 में से 61 को माइनस करके आंसर है 38। अब यहाँ पे एक और पेयर है, अब हमें इसे भी उतारना है 99। अब यहाँ पे हमने 3 + 3 किया था 6, फिर हमने इसके आगे 1 रखा था और 1 से मल्टीप्लाई किया था तो 61। तो यहाँ पे हमें 6 तो वैसे का वैसा ही आ जाएगा, 6 को हमें दोबारा ऐड नहीं करना क्योंकि हमने यहाँ पे ऐड किया था। यहाँ पे हमने 1 इस नंबर को लिया है तो हम यहाँ पे 1 को ऐड करेंगे। 1 + 1 = 2। 6 तो हमारा वैसे आ गया, जो हमने नंबर इसके आगे रखा था हम उसे ऐड करेंगे, यानी कि 1 + 1 = 2 आ गया। अब हमें 62 के आगे कोई एक ऐसा नंबर रखना है और उससे मल्टीप्लाई करना है जिसका आंसर 899 हो या फिर इससे कम हो। ऐसा कौन सा नंबर है 62 के आगे हम रख के देखें। हम 62 के आगे 3 रख के देखते हैं, हमने 3 रखा तो हम 3 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। 3 3 = 9, 3 2 = 6, 3 6 = 18। ये अभी बहुत कम है, हमें कोई दूसरा नंबर रखना पड़ेगा। हम इसके आगे 6 रख के देखते हैं, हमने 6 रखा तो हम 6 से मल्टीप्लाई भी करेंगे। 6 6 = 36, 3 कैरी, 6 2 = 12, 13 14 15, 1 कैरी, 6 6 = 36, 1 37, 3756। यानी कि हम इसके आगे 6 रखेंगे, अगर हमने इसके आगे 7 रखा तो वो कुछ 4000 करके आएगा, तो यानी कि हमें इसके आगे 6 रखना है। हमने यहाँ पे 6 लिखा, 1 6 हमने 3756, 1 6 हमने यहाँ पर भी लिखा। अब इसे हमें माइनस करना है, माइनस करके आ रहा है 143। इसका आंसर हमारा रिमाइंडर 143 आ गया, क्योंकि अब इसके आगे कोई और पेयर नहीं है, तो यानी कि कोई और पेयर उतरेगा नहीं, कि हमारा क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया। इसका स्क्वायर रूट है 316 इसका आंसर आ गया। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसकी नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। थैंक यू।